मैं विनोद आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जाते हैं तो घंटों आपको टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बिना लाइन में खड़ा हुए आप किस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का टिकट आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से खरीद सकते हैं, मैं आपको आज उसके बारे में बताऊंगा विस्तृत रूप से, इजी प्रोसेस। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, उसके बाद अपना टिकट बुक कर लीजिए और जाइए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में घूमिए, आपका टाइम सेव होगा। दोस्तों सबसे पहले आप मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ अब किस तरह से आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का टिकट बुक करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में जहाँ गूगल है वो गूगल पेज खोल लीजिए। गूगल में आपको टाइप करना है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। क्या टाइप करना है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। मैं फिर से बताता हूँ, विक्टोरिया का स्पेलिंग है VICTORIA, विक्टोरिया। मेमोरियल का स्पेलिंग है MEMORIAL, मेमोरियल हॉल HALL। आप गूगल में बोल भी सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, बोल के आप सर्च कीजिए या टाइप करके सर्च कीजिए, करते ही आपके पास इस तरह का सर्चेस आ जाएंगे। जो आपने सर्च किया, देखिए यहाँ दिया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, इसके नीचे देखिए दिया है विक्टोरिया मेमोरियल KLCL.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट विक्टोरिया मेमोरियल का, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये आपको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का वेबसाइट, ऑफिशियल जो साइट है उसमें लेके चला जाएगा। आप देख सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल का वेबसाइट है ये है, यहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर में बड़ा सा लिखा हुआ है बाय टिकट्स ऑनलाइन, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ से टिकट बुक करेंगे। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जा रहे हैं, उसका ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है। देखिए यहाँ दिया है ओपनिंग आवर्स आपका, जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है गैलरी वो खुलता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है। विक्टोरिया में दो सेक्शन है, एक मेमोरियल गैलरी है और एक गार्डन है। जाना चाहते हैं तो दो जगह जा सकते हैं, एक आप बगीचे में ही सिर्फ घूम सकते हैं, गार्डन में ही घूम सकते हैं जिसको गार्डन बोलते हैं, और एक विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल है उसका भीतर में जा सकते, भीतर जाने को बोलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी। ये आपका गैलरी जो खुलता है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, ऑल डेज एक्सेप्ट मंडे एंड नेशनल हॉलीडेज। और जैसा कि यहाँ दिया है कि आपको विक्टोरिया मेमोरियल मंडे मतलब सोमवार और नेशनल जो भी हॉलीडे होता है उसमें विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बंद रहता है। गार्डन का टाइमिंग जो है वो दिया हुआ है मार्च से अगस्त तक 5:30 से 6:30 बजे तक, सुबह 5:30 से लेकर शाम 6 बजे तक गार्डन खुला जाता है। फिर सितंबर से फरवरी तक 5:30 से लेकर 6 बजे शाम तक खुला रहता है। आप लोग सोच सकते हैं कि गार्डन इतना सुबह क्यों खुलता है और मेमोरियल गैलरी इतना लेट से क्यों खुलता है। यस, गार्डन है जो कि बहुत सारे जो यहाँ के लोकल पीपल है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं, इसी कारण गार्डन सुबह 5:30 बजे खोल दिया जाता है अप टू 6:30 बजे तक। और जो विजिटर्स होते हैं जनरली वो आते हैं 10 बजे के बाद या 10 बजे या 9 बजे, इसलिए गैलरी है सुबह 10 बजे से खुलता है। अब जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल तो जाना है लेकिन इसका फेयर क्या है, कितना टिकट है, क्या टिकट चार्जेस है, ये सारे चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको 10 से 6 बजे तक विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी खुलता है, इसका टिकट आपका है 30 रुपीज़।
आपको देखिए यहाँ दिया है इंडियंस के लिए आपका एंट्री फी टू बी म्यूजियम इज 30 रुपीज पर हेड, 30 रुपया आपको टिकट चार्ज लगेगा, 30 रुपीज ओनली टिकट चार्ज है अगर आप इंडियन है। अगर आपके कोई दोस्त के साथ जो फॉरेनर है या सार्क कंट्रीज से है, सार्क कंट्रीज में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, उन लोगों को अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और उन लोगों के लिए 100 रुपीज पर हेड चार्ज लगता है। अगर सिर्फ आप गार्डन जाना चाहते हैं, मतलब विक्टोरिया मेमोरियल का भीतर नहीं घूमना चाहते, सिर्फ उनका उसका बगीचा में घूम के वापस आना चाहते हैं, तो आपको 20 रुपीज देना पड़ेगा, 20 रुपया पर हेड। अगर कोई फॉरेनर हो, कोई बाहर के हैं, उनके लिए सेम लगेगा 100 रुपीज पर हेड, वो अगर गार्डन जाए या भीतर में गैलरी में। तो जनरली सभी लोग गार्डन के साथ गैलरी जाना पसंद करते हैं, बगीचे के साथ भीतर में भी देखना चाहते हैं, तो 30 रुपीज पर हेड खर्चा करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बुक करेंगे। यहाँ देखिए ऊपर में दिया हुआ है बाय टिकट्स ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही आपको इस तरह से ले आएंगे, रजिस्टर में दिखा रहा है यहाँ पर, आप रजिस्टर में यहाँ क्लिक कीजिए। ये रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डेट का ऑप्शन आएगा, कौन सा डेट में जाते हैं, यहाँ से आप चूज कर लीजिए अपना डेट, जिस डेट में आप अपने फैमिली दोस्त या अकेले जाना चाहते हैं वो डेट चूज कर लीजिए। मैं एग्जांपल के तौर से एक डेट चूज कर ले रहा हूँ, ये मैंने ये चूज कर लिया। देखिए यहाँ दिखा रहा है संडे 26 जनवरी 10 AM, ये बाय डिफॉल्ट 10 AM दिखाता है। उसके बाद इसको मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का टिकट का आ गया, ये यहाँ पर ऑप्शन है गार्डन वन डिटेल्स, आप यहाँ पर चूज कर लीजिए कितने जन जाना है, जितना जन जाना है वहाँ पर ऐड कर लीजिए। मान के चलिए मैं गार्डन प्लस गैलरी दोनों जाता हूँ, मैं इंडियन हूँ, 30 रुपीज करके लगेगा। ईच टिकट्स ग्रांट्स एक्सेस टू 1% टू बोथ द गार्डन एंड द गैलरी, दोनों मतलब गार्डन और गैलरी दोनों के लिए आप इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप नंबर ऑफ पर्सन जितने जाना चाहते हैं वो बढ़ा लीजिए, 5 में है 5, 10 में है 10, जितने ग्रुप में जाना चाहते हैं या आप अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ चूज कर लीजिए। मैं हिसाब से मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ, मैंने 5 चूज कर लिया। 5 चूज करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा 5 टिकट्स दिखा रहा है, 150 रुपीज दिखा रहा है। प्रोसेस में क्लिक करूंगा, प्रोसेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा, रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डिटेल्स है कि प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेशन या अटेंडेंस, आप अपना डिटेल्स डालिए, यहाँ आपका नाम डाल दीजिए जो आपका नाम है। नाम डालने के बाद अपना पूरा नाम डालिएगा, डाल दिए आप अपना नाम, मैंने एग्जांपल के तौर से डाल दिया। एक ईमेल आईडी डालना है, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है उस पर आपको मेल जाएगा, आप वो ईमेल आईडी डाल दीजिए जो भी आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद आपको फोन नंबर डालना पड़ेगा, मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद आपका फोन नंबर, आपका जो फोन नंबर है वो फोन नंबर डालिए, यहाँ से कंट्री चूज कर लीजिए, इंडिया है, कोड हो गया। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, फिर आपको सबमिट में जाना है। सबमिट में जाने के बाद देखिए इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ देख रहे हैं विजिट टू विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता 150 रुपीज, ये मेरा दिखा रहा है। मैं 5 टिकट बुक किया हूँ, मैं जिस डेट में जा रहा हूँ वो दिखा रहा है, वेन्यू दिखा रहा है, क्या क्या मैं गार्डन और गैलरी दोनों जा रहा हूँ, मेरा इतना टोटल हो गया और टिकट ये सेलेक्ट स्टेट हो गया वेस्ट बंगाल। प्रोसेस टू पे में करता हूँ, प्रोसेस टू पे में करने के बाद कंफर्मिंग योर सीट, आपका कंफर्मेशन दिखाएगा सीट का, शेयर योर कॉन्टैक्ट, आपका ईमेल आईडी यहाँ मांग रहा है, आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। देखिए ऑर्डर समरी यहाँ दिखा रहा है आपका, ये आपका ऑर्डर समरी है जो मैंने अभी बुक कर रहा हूँ वो दिखा रहा है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालिए, जो भी ईमेल आईडी आपका है जिस पे आपका मेल जाएगा टिकट बुक होने का। यहाँ पर आपका फोन नंबर डाल दीजिए, जो फोन नंबर आपका जो है, उसके बाद कंटिन्यू, और उसके बाद देखिए पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं,
मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, अगर रिडीम पॉइंट है आपका उससे भी, वाउचर है उससे भी, काफ़ी सारे आपके यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। उदाहरण के तौर से मैं कहता हूँ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, ये देखिए जिस तरह का डाला है मैंने, यहाँ वीज़ा दिखा दिया, आप अपना कार्ड में जो नाम है वो नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद जिस मंथ में आपका एक्सपायरी हो रहा है कार्ड वो मंथ डाल दीजिए, जो मंथ में आपका कार्ड एक्सपायर कर रहा है वो मंथ डालिए, कौन सा ईयर में एक्सपायरी कर रहा है वो, और आपके कार्ड के पीछे जो सीवीवी नंबर है वो 3 डिजिट का वो डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट कीजिए, आपका विक्टोरिया मेमोरियल का ऑनलाइन टिकट बुक हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।